हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट अप्रोचेस टू इंटरनेशनल HRM यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंध का अर्थ, अवधारणा और उपागम की बात आज हम करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉइंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एंड कंपनसेटिंग द एम्प्लॉइज इन इंटरनेशनल एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस. यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंध एक अंतर्राष्ट्रीय व वैश्विक संगठन में कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, विकास और क्षतिपूर्ण करने की प्रक्रिया है. पुलपा सुब्बा राव डिफाइंस इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग, allocating and effectively utilizing human resources in a multinational corporation. यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंध एक बहुराष्ट्रीय निगम में मानव संसाधनों को प्राप्त करने, आवंटन करने तथा प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने की प्रक्रिया है. So, as conclusion, it can be said that the set of activities involved in hiring, managing, performance, compensation, training and relations with employees hired to manage internal operations of a company with a view to ensure the success of their international business and strategy. Yani अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सफलता की दृष्टि से एक कंपनी के आंतरिक कार्यों के प्रबंध हेतु कर्मचारियों को प्राप्त करने, निष्पादन प्रबंध करने, पारिश्रमिक की व्यवस्था करने, प्रशिक्षण व कर्मचारियों के साथ संबंधों का प्रबंध करने की विभिन्न क्रियाओं का समूह है. तो इस तरह स्पष्ट है कि वैश्विक स्तर पर व्यापार का प्रबंध करने के लिए जिस तरीके से मानव संसाधन प्रबंध किया जाता है या प्रबंध की वह शाखा जो ग्लोबल लेवल पे मानव संसाधनों के प्रबंध से संबंध रखती है, उसी को अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंध के नाम से जाना जाता है. अब बात करते हैं नेचर ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, कि अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंध की क्या विशेषताएं हैं या इसका नेचर किस तरीके का है. तो इसमें नंबर वन है इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 types ऑफ कंट्रीज, कि इसमें बेसिकली 3 तरीके के राष्ट्र सम्मिलित होते हैं जिनको होम कंट्री, होस्ट कंट्री और थर्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है. होम कंट्री का मतलब होता है कि वह कंट्री या देश जहां पर कि ओरिजिनली बिजनेस इस्टेब्लिश है या जिस देश में मूल रूप से व्यापार किया जा रहा है. दिस इज़ द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ द फर्म. एंड होस्ट कंट्री, दिस इज़ द कंट्री इन विच ऑपरेशंस ऑफ द फर्म आर कैरिड ऑन. यानी यह वह स्थान है जहां पर कि व्यापार का मूल स्थान के अलावा व्यापार किया जाएगा. होस्ट कंट्री यानी दिस इज़ द कंट्री इन विच ऑपरेशंस ऑफ द फॉर्म आर कैरिड ऑन, की जहाँ पर कि व्यापार की क्रियाएं की जाएंगी. थर्ड कंट्री, दिस इज अ कंट्री फ्रॉम वेयर रिसोर्सेस ह्यूमन एंड अदर्स आर प्रोक्यूर्ड. देयर में बी मैनी थर्ड कंट्रीज, यानी थर्ड कंट्रीज वह कंट्रीज हुई जो कि न तो होम कंट्री है और ना ही होस्ट कंट्री है, बल्कि यह वह देश हैं जहाँ से संसाधनों की प्राप्ति की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी और वह ह्यूमन रिसोर्सेस और अदर रिसोर्सेस हो सकते हैं. इसलिए यह कई देश हो सकते हैं. तो इस तरीके से बेसिकली इसमें 3 देश इंक्लूडेड रहते हैं. होम कंट्री जहाँ पर कि ओरिजिन ऑफ द फॉर्म होता है, और होस्ट कंट्री जहाँ पर कि व्यापार की क्रियाओं का विस्तार किया जाता है, या अन्य देश जहाँ पर कि व्यापार किया जाएगा जो कि मूल देश के अलावा होगा. और थर्ड कंट्री वो हुई जो कि न तो होम कंट्री है और ना होस्ट कंट्री है. अब बात कर रहे हैं डील्स विद 3 type ऑफ एम्प्लॉयज़ सिमिलरली, कि जिस तरीके से इसमें 3 देश इंक्लूडेड रहते हैं, उसी तरीके से इसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी बेसिकली इन 3 देशों से बिलोंग करते हैं. तो जब होम कंट्री के जो स्टाफ होता है उनको पेरेंट कंट्री नेशनल के नाम से जाना जाता है, और जब स्टाफ होस्ट कंट्री से अपॉइंट किया जाता है तो उसको होस्ट कंट्री नेशनल के नाम से जाना जाता है. और सिमिलरली जब एम्प्लॉयज़ ना तो पेरेंट कंट्री से होते हैं और ना होस्ट कंट्री से होते हैं, तो इसको थर्ड कंट्री नेशनल्स के नाम से जाना जाता है.
और अगला है वाइड रेंज ऑफ एचआर एक्टिविटीज़ कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो एचआर एक्टिविटीज़ होती हैं वह काफ़ी व्यापक होती हैं, तो अधिक सर्विवर्गीय कार्य इसकी एक विशेषता होती है। इसमें जो मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित कार्य किए जाते हैं वो ग्लोबल लेवल पे किए जाते हैं, इसलिए एज कंपैरिजन राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन की तुलना में इसमें किए जाने वाले कार्यों की संख्या और जटिलता अधिक होती है। इसमें सबसे पहला काम होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मानव संसाधन नियोजन, यानी मानव संसाधन नियोजन जो है घरेलू मानव संसाधन प्रबंध में भी किया जाता है। यहाँ पे किया जाने वाला प्रबंध थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसमें जो कार्य किए जाते हैं वो होता है कि कार्मिकों का रैशनल यूज करना एक चैलेंज होता है, क्योंकि उनकी लागत और लाभों की दृष्टि से ज्योग्राफिकल लिमिट्स के पार जाके उनका उपयोग करना होता है, इसलिए राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंध की तुलना में चैलेंजिंग होता है। दूसरा ये कि एक सर्वमान्य व्यवसायिक व्यू रचना को अपनाने में कठिनाई आती है, क्योंकि हर एक राष्ट्र की जो बिजनेस यूनिट के साथ में इसका सामंजस्य करना होता है, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टैब्लिश यूनिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। और एचआरपी में एक और जो बात होती है वो ये कि सभी राष्ट्रों के लिए यूनिफॉर्म एचआर प्लान भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक राष्ट्र के अलग नियम कानून और व्यवस्थाएं होती हैं। एक और बात ये कि अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधकों को विकास के अवसर उपलब्ध करवाने होते हैं, इसलिए जो IHRM है उसमें HRP अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड बात होती है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉय हायरिंग के कर्मचारियों को प्राप्त करना, तो इसमें यह कार्य सम्मिलित होते हैं जैसे कि ऐसे फिट कर्मचारी को प्राप्त करना जो ग्लोबल कंपनी में कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से एडजस्ट हो सके, इसी के साथ में नियुक्ति के लिए एथनोसेंट्रिक पॉलीसेंट्रिक जियोसेंट्रिक विचारधाराओं को अपनाना होता है, इसलिए इसमें जो है कर्मचारियों को प्राप्त करने का कॉम्प्लिकेशन जो हमारा डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके कंपेरिजन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एथनोसेंट्रिक का मतलब होता है कि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो स्टाफ होता है वो ओरिजिनल कंट्री से ही अपॉइंट किया जाता है, और जो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच होती है इसमें मूल राष्ट्र के व्यक्ति MNCs के मुख्य कार्यालय में इम्पोर्टेंट पोस्ट के ऊपर प्लेस किए जाते हैं, जबकि सहायक कंपनियों में प्रबंध का कार्य होस्ट कंट्री के व्यक्तियों को दिया जाता है। और इसी तरीके से इसमें जो तीसरी अप्रोच होती है वो होती है रीजियोसेंट्रिक, यानी इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रबंध उसी क्षेत्र के व्यक्तियों को सौंपा जाता है और वही HR डिसीजंस लेते हैं, जबकि पेरेंट कंट्री के व्यवसाय क्षेत्र के प्रबंध विभिन्न देशों के एनालिसिस R&D और फॉरेन एक्सचेंज फाइनेंशियल अरेंजमेंट के काम को करते हैं। तो इसी तरीके से इसमें एक और विचारधारा को अपनाया जाता है, वो होती है जियोसेंट्रिक विचारधारा। इसमें किसी देश में देश विशेष की जगह टैलेंट बेस अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, जिससे कि जो बिजनेस होता है वो टैलेंट बेस्ड पॉलिसी को अडेप्ट करता है। तो इस तरीके से कर्मचारियों को प्राप्त करने में एथनोसेंट्रिक पॉलीसेंट्रिक जियोसेंट्रिक और रीजियोसेंट्रिक पॉलिसीज को या विचारधाराओं को अपनाना होता है। इसी के साथ साथ जो है इसमें बाहरी व्यक्तियों का भी सिलेक्शन करना होता है और अपने देश लौटने वालों का भी प्रबंध करना होता है और महिला प्रवासी कर्मचारियों का भी प्रबंध करना होता है। इसलिए इसमें एम्प्लॉय हायरिंग घरेलू मानव संसाधन प्रबंध की तुलना में कॉम्प्लिकेटेड होती है। तीसरा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम होता है उसमें जो नॉर्मल हमारा मानव संसाधन प्रबंध था उसके कंपैरिजन में कुछ और एस्पेक्ट्स ऐड हो जाते हैं, जैसे कि जो है कल्चरल ट्रेनिंग के ऊपर एम्फेसिस दिया जाता है, लैंग्वेज पे एम्फेसिस दिया जाता है, ग्लोबल कर्टसी पे एम्फेसिस दिया जाता है, और सभी राष्ट्रों में प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। इसके अलावा है कॉम्पनसेशन यानी क्षतिपूरण, यानी बाहरी कर्मचारियों के लिए क्षतिपूरण के लिए एक सूटेबल स्ट्रेटेजी को बनाना पड़ता है, और इसी के साथ पेरेंट होस्ट और थर्ड कंट्री नेशनल्स में वेतन संबंधी विसंगतियों को भी मिनिमाइज करना होता है, और वैश्विक पुरस्कार नीतियों का प्रबंध और टैक्स प्रावधानों के अनुसार भुगतान की व्यवस्था करनी होती है। अब बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि HRM
की एक्टिविटीज़ को इस तरीके से मैनेज किया जाए जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्स को इजीली अचीव किया जा सके। तो निष्पादन प्रबंध में IHRM में जो काम करने होते हैं वो ये होता है कि होस्ट कंट्री में फ्री होकर निष्पादन प्रबंध करना किया जा नहीं सकता है। यह इसका एक ड्रॉबैक है, या यह कहेंगे कि ये इसके लिए एक चैलेंज है। तो इसलिए जो निष्पादन प्रबंध होता है वो इसका एक अलग काम हुआ, तो इसलिए इस तरीके से इसमें निष्पादन प्रबंध के कार्य को इंक्लूड किया जाता है। और अब हम बात कर रहे हैं कि निष्पादन प्रबंध में और क्या प्रॉब्लम आती है, कि ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस होते हैं और टाइम और कॉस्ट की प्रॉब्लम भी होती है, तो निष्पादन प्रबंध को ये चैलेंजिंग बनाते हैं। और इस तरीके के रेटिंग स्केल्स को भी डिफाइन करना जो कि सहायक कंपनियों के कार्यों का मूल्यांकन कर सके। सो मैनेजिंग ग्लोबल रिवॉर्ड एंड अवार्ड पॉलिसीज़ एंड इट्स डिस्बर्समेंट, ये निष्पादन प्रबंध में काम जो हैं इंक्लूडेड रहते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि IHRM में वाइड रेंज ऑफ HR एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं और वह डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ में उन कामों को परफॉर्म करना होता है, उसका कार्यक्षेत्र बढ़ जाता है। अब बात कर रहे हैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, यानी कि इसका एक व्यापक परिदृश्य होता है। एक MNC को कंटिन्यूसली जो है अलग अलग तरीके के स्टाफ, जिसकी कि अभी हमने बात की थी, होस्ट कंट्री नेशनल, थर्ड कंट्री नेशनल, पेरेंट कंपनी नेशनल, इनका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करना होता है। और हर कैटेगरी के एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय जो अपने एक अलग स्पेसिफिक क्वालिटी मेंटेन करता है, तो इनका मैनेजमेंट करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। इसलिए जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उसको जो है ब्रॉडर प्रस्पेक्टिव रखना होता है और हर एक नागरिक की कल्चर और लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट करना होता है और उन्हें क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग देनी होती है। इसके अलावा अलग अलग राष्ट्रों के कर्मचारियों के साथ भुगतान संबंधी मुद्दों का भी प्रबंध करना होता है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की करेंसी अलग अलग होती है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं उनको सेटल करने के लिए भी उसी के अनुसार ट्रेनिंग करनी होती है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंध को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करना होता है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी मोर इन्वॉल्वमेंट इन एम्प्लॉयज़ पर्सनल लाइफ, कि डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कंपैरिजन में इसमें जो है ब्रॉडर वे में, या कहेंगे कि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट एम्प्लॉयज़ की लाइफ में करना होता है। एक स्थानीय और घरेलू इकाई के मानव संसाधन प्रबंधक को अपने कर्मचारियों के प्रोफेशनल प्रोफाइल या जानकारी को जानना ही पर्याप्त होता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंध के कर्मचारी के पूरे परिवार, उसके रिलेटिव्स, उसका रिलीजन, उसकी कल्चर, इन सब से भी उसको अवगत होना ज़रूरी होता है। और इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को यह इंश्योर करना होता है कि जो प्रवासी निवास व्यवस्थाएं हैं या हेल्थ सर्विसेज हैं या रेमुनरेशन कॉन्ट्रैक्ट हैं, इनको वह अच्छी तरीके से स्टाफ को या एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट कर पाया है, समझा पाया है या नहीं समझा पाया। तो इसलिए IHRM में जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो एज कंपैरिजन ऑफ डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थोड़ी चैलेंजिंग होती है और इनकी रेंज भी बढ़ी हुई होती है। तो इसलिए कहेंगे कि कार्मिकों के निजी जीवन में अधिक जानकारी रखनी होती है। अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि है हायर रिस्क एक्सपोजर, कि डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो है रिस्क का जो फैक्टर होता है वह डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, जहाँ घरेलू मानव संसाधन प्रबंध में हड़ताल, औद्योगिक शांति, BPO कंपनियों द्वारा महिलाओं से जो है रात्रिकाल में काम लेना, महिलाओं की सुरक्षा संबंधी जोखिम, पुरुषों का डकैती का शिकार होना आदि आदि जोखिम होते हैं। वहीं इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फील्ड में जोखिमों के स्वरूप में जो है टेररिज्म आ जाता है, किडनैपिंग आ जाती है और हत्याएं सम्मिलित होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधकों को बहुत ही अस्थिर स्थानों से तुरंत बाहर निकालने की प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है और साथ ही बाहरी कार्मिकों यानी फेलियर ऑफ एन एक्सपेक्टेड के असफल होने की जोखिम को भी उठाना पड़ता है। यानी इसमें जो जोखिम का स्वरूप होता है वो डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कंपैरिजन में अलग होता है और अलग तरीके के रिस्क इसमें फेस करने होते हैं।
इससे पहले एक करेक्टरिस्टिक्स का एक और टॉपिक है जो मैंने डिस्कस नहीं किया, जिसकी बात मैं अब कर लेती हूँ, रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजेस इन एम्प्लॉयज़ पॉलिसीज़। इसका ये मतलब होता है कि जो कर्मचारी नीतियाँ होती हैं उनमें भी स्टेबिलिटी नहीं रहती और वो बहुत जल्दी जल्दी उनमें चेंजेस करना पड़ता है, क्योंकि जो व्यापार किया जा रहा है या जो फॉर्म चल रही है उस फॉर्म में तीन देशों के जो नागरिक हैं वो एज स्टाफ वर्किंग है। तो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे मैनेजमेंट की पॉलिसी चेंज होती है उसी के अनुसार एम्प्लॉयज़ को डील करने की पॉलिसी में भी बदलाव आता है। अंतर्राष्ट्रीय उपक्रम के जो इनिशियल पीरियड होता है उसमें जो है हमारा ओरिजिनल कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ को या कर्मचारियों की नीतियों का जो है डोमिनेंस देखा जाता है, क्योंकि शुरू में जो है पेरेंट कंट्री से स्टाफ की अधिकता होती है, लेकिन ग्रेजुअली जब कंपनी फ्री होती है तो उसकी कार्मिक नीतियों को बदलते स्टाफ अर्थात होस्ट कंट्री नेशनल्स के अकॉर्डिंग उसको लागू करना होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधक को PCN के साथ में होस्ट नेशन के नियमों को भी ध्यान में रखते हुए समन्वित कार्मिक नीतियों को अपनाना होता है, क्योंकि जो डाइवर्सिफाइड स्टाफ है उसको एक ही कार्य उद्देश्य होता है कि कंपनी के लिए कार्य करना, इसलिए समन्वित नीतियों का होना आवश्यक होता है। तो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिवनेस इसमें होती है कि जैसे जैसे IHRM की जो मैनेजमेंट की पॉलिसी है या अप्रोच है वह बदलेगी, अकॉर्डिंगली ही एम्प्लॉयज़ रिलेटेड पॉलिसीज़ में भी चेंज आएगा। और इसके बाद में है हमारा हायर रिस्क एक्सपोजर, जिसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, और अब हम बात करने जा रहे हैं ब्रॉडर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की, कि जो IHRM होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स में एक ये इंक्लूडेड होता है कि बाहरी वातावरण का अधिक प्रभाव होता है, यानी घरेलू मानव संसाधन प्रबंध यानी डोमेस्टिक HRM में देश के राजनीतिक सांस्कृतिक तकनीकी वातावरण संबंधी घटकों का प्रभाव देखा जाता है, लेकिन IHRM में प्रबंध के क्षेत्र में और भी कई सारे जो है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे राष्ट्र की सरकार के नीतिगत कदम क्या हैं यानी पॉलिसी एक्शंस ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, इसके अलावा होस्ट मार्केट में कंपटीशन की क्या कंडीशन है, कर्मचारियों के सिलेक्शन पे होस्ट कंट्री के क्या कंडीशंस हैं, इन सारे फैक्टर्स को प्रभाव को देखना होता है। और मानव संसाधन प्रबंध के जो कार्य होते हैं, कार्य और व्यवहार और नीतियाँ देश की जनरल पॉलिसी से बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड होती हैं, इसलिए और जो होस्ट कंट्री इन नीतियों का व्यवसाय पर प्रभाव होता है। बहुराष्ट्रीय निगमों को अपने क्रियात्मक स्थानों, राष्ट्रों के राजनेताओं, सामाजिक और आर्थिक नेताओं से संपर्क में रहना होता है। होस्ट कंट्री की सरकार MNC को अनेक मामलों में जैसे कर्मचारियों के चयन आदि के संबंध में निर्देश दे सकती है, इस प्रकार ये बाहरी तत्वों से अधिक प्रभावित होता है। तो इस तरह हमने जाना कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कंपैरिजन में जो है ज़्यादा चैलेंजिंग होता है और उनको कई सारे इश्यूज़ के ऊपर काम करना होता है। बेसिकली जो भी काम होते हैं उन कामों को उसे ग्लोबल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे एग्जिस्ट कॉम्पिटिशन और रिलेटिव कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए ही सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अडप्ट करना होता है। तो इसलिए हमने ये जाना कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसकी करेक्टरिस्टिक्स में जो इंक्लूडेड रहता है वो ये रहता है कि इसकी वाइड रेंज ऑफ HR एक्टिविटीज़ होती है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या एक्टिविटीज़ होती है या मेन फंक्शंस क्या हैं, तब आप इन्हीं फंक्शंस को डिफाइन एक्सप्लेन करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे कि इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है, एम्प्लॉय हायरिंग होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये बातें इंक्लूडेड रहती हैं और इनको ग्लोबल लेवल पे ही मैनेज करना होता है। और इसमें जो एटीट्यूड रखना होता है या जो विज़न रखना होता है वो ब्रॉडर विज़न रखना होता है और एम्प्लॉयज़ के मैटर में ज़्यादा इन्वॉल्व होना होता है, क्योंकि यह जो मैटर है वो एक ग्लोबल लेवल का मैटर है और एम्प्लॉयज़ के साथ में कंसर्न उसी तरीके से रखना होगा कि जिससे कि वह अपने आप को वहाँ पर
अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकें और अपना बेटर आउटपुट दे सके। और ये भी देखा हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि रिस्पॉन्सिवनेस होती है, जैसे जैसे अप्रोचेस बदलती हैं या मैनेजमेंट पे कंट्रोल बदलता है, कभी पेरेंट कंट्री का कंट्रोल अधिक होता है और कभी जो है होस्ट कंट्री का होता है, जिस तरीके की भी विचारधारा अपनाई जाती है तो अकॉर्डिंगली ही इनकी कर्मचारी की नीतियों में बदलाव होता है और रिस्क के फैक्टर या रिस्क का एक्सपोजर जो होता है वो अलग तरीके से होता है। और ब्रॉडर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, इसमें हमने बात की कि पॉलिसी एक्शंस ऑफ नेशनल गवर्नमेंट आते हैं, रिस्पॉन्सेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन द होस्ट मार्केट, और इसके साथ ही हमने बात की कि होस्ट कंट्री स्टिपुलेशंस ऑन स्टाफ सिलेक्शन, ये सारे जो है इम्पैक्ट एक IHRM को फेस करने होते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में हम IHRM के कुछ और एस्पेक्ट की बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।